शनिवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में पनडुब्बी खंडेरी नौसेना के बेड़े में शामिल हो गई। INS खंडेरी के नौसेना का हिस्सा बनने के मौके पर रक्षा मंत्री ने कहा कि खंडेरी के आने से भारत की नौसेना की क्षमता में कई गुना इजाफा होगा। राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि कुछ ऐसी ताकतें हैं जो भारत के तटीय इलाकों में मुंबई जैसे हमले को दोबारा करना चाहती हैं, लेकिन उनके मंसूबे पूरे नहीं होने दिए जाएंगे और 26/11 जैसी साजिश कामयाब नहीं होने दी जाएगी। सच्चाई तो यह है कि भारतीय नौसेना इंडियन ओशन रीजन के सभी छोटे बड़े देशों में भरोसा और परस्पर विश्वास पैदा करना चाहती है, मगर कुछ ऐसी ताकतें हैं जिनकी हसरतें नापाक हैं। वे साजिश रच रहे हैं कि समुद्र के रास्ते मुंबई के 26/11 जैसा एक और स्पेकुलेटेड अटैक भारत के इस कोस्टल एरिया में वह कर सकें, लेकिन उनके इरादे किसी भी सूरत में कामयाब नहीं होंगे। INS खंडेरी के साथ शनिवार को P-17A सीरीज का पहला युद्धपोत INS नीलगिरी भी लॉन्च हुआ। वहीं आपको बता दें कि INS खंडेरी भारत की दूसरी स्कॉर्पियन श्रेणी की मारक पनडुब्बी है, जिसे P-17 शिवालिक वर्ग के युद्धपोत के साथ नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। इस पनडुब्बी में 40 से 45 दिनों तक सफर करने की क्षमता है। हालांकि इससे पहले भारतीय नौसेना ने INS खंडेरी को शामिल करने से इनकार कर दिया था। दरअसल इसके पीछे वजह ये थी कि नौसेना को समुन्द्र में यूजर ट्रायल के दौरान इस पनडुब्बी के इंजन से ज्यादा आवाज आने की शिकायत थी, और यही वजह भी रही कि खंडेरी को देरी से नौसेना में कमीशन किया गया। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।